हेलो गाइस, दिस इज मी सॉरी 01, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार नया ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आई होप कि आप लोग भी बढ़िया है, मस्त है, स्वस्थ है। तो आप सभी लोगों को बोल रहा हूँ खुबतम, तो नमस्ते मेरे तरफ से। तो कुछ मतलब वीडियो बनाने का कुछ इरादा, ये वाला वीडियो बनाने का इरादा नहीं था। कुछ ऐसा हो गया हम लोगों के साथ कि उस दिन जो हम लोग आ रहा था अरुणाचल में, अरुणाचल तो हम तो अरुणाचल में ही ज़्यादातर बीतते हैं, अरुणाचल और असम मतलब बॉर्डर, ऐसे तो मेरा घर बॉर्डर पे ही है। तो उसका बाद जो क्या हुआ, हम लोग अरुणाचल में गया तो एक फेस्टिवल में गया था। तो उधर में मतलब रात एंजॉय एंजॉय करके सुबह को मेरा दोस्त जो जंटू और एक असम से एक दोस्त था ना, असम से, असम का मतलब डिब्रूगढ़ से, वो तेंगाखाट का है जो दोस्त है, हम तीनों ही तीन जन आ रहा था। तो तीन जन सुबह कितने 6 बजे से हम लोग निकल के आ गए उधर से, 6-7 बजे से। तो आराम से आ रहा था, तो वीडियो वीडियो हम ब्लॉगिंग वगैरह तो कुछ किया ही नहीं। तो क्योंकि उस दिन उसका आगे वाला दिन मतलब हम घर में आके कैमरा वैमरा रख के गया है, क्योंकि सर्जिंग ही नहीं था। तो गाइस मेरा जो एक्शन कैमरा था, हम तो आप लोगों को मालूम है कि हम 360 वीडियो बनाता है, मोटो ब्लॉगिंग में भी, ऑलराउंडर मतलब सिनेमेटिक वगैरह में, फोन से भी उतना ज्यादा वीडियो वगैरह नहीं बनाता है कि आज अभी बना रहा हूँ, फोन से ही बना रहा हूँ। लेकिन 360 ज्यादा अच्छा लगता है कि उस दिन वीडियो मेरे पास बनाने के लिए कैमरा वैमरा भी नहीं था, सिर्फ गोप्रो था बोल के जानटू का पास था, और वो जो एक भैया था तो टेंगाखाट का भैया का पास था, जो दोस्त ही है और भैया भी बोल रहा हूँ क्योंकि बड़ा है हम लोग से भी। तो हम लोग बढ़िया से लाइनअप से ही आ रहा हूँ, तो आ रहा था मतलब आप लोगों को वीडियो भी दिखा दूंगा, मतलब वो जो रील्स बनाया हुआ हम भी बनाया था और जानटू ने भी बनाया था, तो वो भी बढ़िया से बना के हम लोग आया था। तो कुछ हम लोग बमजीर का ब्रिज जो पार करके वो लोग पार करके थोड़ा, हाँ थोड़ा ही पार करके मतलब वो जानटू जो वीडियो बना रहा था, हम लोग लाइनअप से जब आ रहा था तो पीछे से एक क्या बोलते हैं उसका हुंडई आईटेन, नया मॉडल का हुंडई आईटेन आया। तो आके वो मतलब जो वीडियो में आप लोगों को दिखा दूंगा कि हम लोग लाइनअप से आ रहे तो जब जंटू ने वीडियो इसे रील्स के लिए बना रहा था, तो हम साइड थोड़ा लेफ्ट में जाके मतलब रोड का जो पत्ती होता है वाइट कलर का, तो वो रोड से भी थोड़ा साइड में जाके मतलब ऐसे मतलब बाइक चलाते चलाते थोड़ा पोज वोज दिया। उसका बाद जो हम अपना लाइन में आ गया, लाइन में आके थोड़ा मतलब वो वीडियो बना रहे, तो हम आगे चला गया मतलब। तो उसी समय एक आईटेन आ गया, वो जो ग्रीन मतलब कौन सा ग्रीन बोले, थोड़ा डार्क ग्रीन टाइप का एक तो आईटेन आया। वो आईटेन रजिस्ट्रेशन था ईटानगर का, लेकिन बाद में मालूम चला वो आईटेन जो इधर का ही है, हम लोगों का आसपास का ही है, मतलब ज़्यादा दूर का भी, दूर का आदमी लोग भी नहीं है मतलब। और उसका साथ आ रहा था तीन साढ़े जैसा लड़की था, और वो अकेला गाड़ी में बैठा हुआ है मतलब। हाँ तो क्या हुआ, हम मेरा दोस्त को मतलब हम पोस्ट देके जब ओवरटेक किया हूँ, तो वो भी मतलब हमको ओवरटेक करके आगे चला गया। तो जब आगे वो चला गया कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं, इतना बड़ा रोड है और उसमें भी कोई मतलब झगड़ा करने का कुछ सेंस बनता ही नहीं है। और उसका बाद थोड़ा सा मतलब मेरा साइड से गया, वही गया, हम तो नहीं गया, हम उसको ओवरटेक नहीं गया। क्या हुआ उसका बाद जो वो मतलब हम और भी साइड में जाना चाहिए उसका हिसाब से मतलब, तो मेरा हैंडल लगने के लिए भी थोड़ा तो डिस्टेंस था, गैप था, लेकिन वो बोल रहा था कि मेरा गाड़ी में हैंडल लगने वाला था ये बोल के। फिर मतलब क्या हुआ, हम लोगों का भी एक जान पहचान, मेरे को पहचान था वो भैया, जो वो भैया भी शांतिपुर का ही था, तो हम लोग इधर का ही है शांतिपुर का। तो वो भैया जो मतलब ऐसे हमको बोल रहे हैं, हमको मतलब कहाँ से है क्या ऐसे बात कर रहे हैं हम लोग भैया जो, तो उसका वो जो सीन क्या हो, वो गाड़ी फिर हम लोग ओवरटेक करके आगे में रुका के जानटू वीडियो कर रहा था, थोड़ा सा क्लिप है। वो भैया बोला हम लोग पास जो भैया रुका था शांतिपुर का, वो भैया अचानक से हमको बोल रहा है कि वो आदमी वही गाड़ी है तुम लोगों का पीछे पीछे आ रहा है वो गाड़ी, तो वो आदमी जो दाव निकाल रहे है तुम इस तरफ से बाइक स्टार्ट करो बोला है। तो हम लोगों पास भी हम लोग मतलब दाव वगैरह कुछ लेके नहीं, क्योंकि बाइक में दाव लेके घूमने से फिर पुलिस पकड़ने से मतलब ऐसी सिचुएशन भी खराब चल रहा है हम लोग का इस तरफ। तो आप लोगों को मालूम है ही अलग अलग मतलब उल्फा वगैरह क्या मतलब ये सब के लिए, आतंकवादी ये सब के लिए मतलब चेकिंग भी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग भी दाव पकड़ के नहीं जाते मतलब बाइक में जाने से, तो हम लोग भी और किससे झगड़ा करेगा, तो दाव लेके भी क्या करेगा, तो इसीलिए हम लोग भी दाव लेके नहीं जाते। तो वो तो अचानक से दाव लेके आके मतलब मेरा बाइक को ही मतलब टूटाने के लिए वो आया था, और मतलब हम लोगों को भी अटैक करने के लिए आया था मतलब डायरेक्ट दाव से अटैक करेगा, एक तो बड़ा समुराई था ना। तो उसका बाद जो वो भैया जानबूझ के मतलब स्विफ्ट को आगे जाके उसको वो जब दाव लेके निकल के आ रहा था मतलब दाव गाड़ी से निकल के हम लोगों का तरफ आ रहा था, तो वो भैया गाड़ी आगे का तरफ लेके मतलब रुका दिया। तो हम जो क्या हुआ, तो राइट साइड होके
फिर हम जो बाइक स्टार्ट करके मतलब पूरा जितना हो सके उतना जल्दी निकालने के लिए हम कोशिश किया। तो गाइस उसी समय मतलब दाव ना पूरा मेरा बाइक का तरफ और मेरा बॉडी का तरफ ही फेंक दिया था, लेकिन हम जो पूरा एक्सीलेटर देके निकाल गया, किस्मत अच्छा था, नहीं लगा मेरा बॉडी में। तो उसका बाद मेरा दोस्त लोगों भी रुकाया, तो उसको पूरा धमकी हमकी मतलब ऐसे मतलब पूरा रफली बात कर रहे, वो मतलब मेनली मतलब लड़की लड़की का सामने मतलब पूरा हीरोबंदी दिखा रहा था, पूरा हीरोबंदी दिखा रहा था। और पता नहीं ड्रिंक एंड ड्रिंक भी था, ड्रिंक भी किया होगा शायद वो आदमी जो, और जो लड़का तो नहीं है, बहुत बड़ा आदमी है दिखने से, तो एज वाला ही है। दूसरा का ये सब दूसरों को करने से मतलब कुछ नहीं होता है, और हम लोग इधर के पास का ही है बोल के हम लोग का तो कोई ऐसा प्रॉब्लम वगैरह नहीं हुआ है अभी, मतलब हम लोग भी ऐसे खराब नहीं पाएगा। लेकिन दूसरा जगह से टूरिस्ट लोग आता है तो वो लोग भी क्या सोचेगा कि ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा मतलब उधर में दाव दिखाते हैं, मतलब कैसा मेंटल, मतलब कैसा उसका मेंटल का मतलब सोचना, जो उसका भावना है, सोचने वाला सोच है वो कैसा है बोल के आदमी लोग तो खराब ही सोचेगा ना। तो बाद में मालूम चला जिया का है मतलब हम लोग का इधर से तो ज़्यादा दूर नहीं है। और उसका बाद जो हम जो डायरेक्ट बाइक लेके जब उधर से हम निकल गया, तो आगे में जाके मेरा भी एक दीदी मतलब आधी आदमी का साथी शादी हुआ है, मतलब मेरा जो मेरा कजिन दीदी है जीजा जी, तो वो भी आधी है। तो उसका दुकान में आया हम, तो दुकान में आके जीजा जी ऐसा ऐसा हो गया हम लोग का विदाउट रीजन मतलब ऐसे लड़की का आगे में हीरो दिखाने के हम लोगों को दावा फेंक रहा है ऐसा ऐसा बोल दिया। तो जीजा जी लोग भी है साइड वाला, जीजा जी का भी दुकान है तो रोड का मतलब पास में ही है, तो उसका साइड में भी जो दुकान वगैरह है वो लोग भी आया आके गाड़ी को रुकाया। लेकिन गाड़ी जो पूरा स्पीड से मतलब अचानक से मतलब हम लोग हम तो अच्छे से रुका रहा था उसको, लेकिन पूरा वो पूरा स्पीड पकड़ के मतलब चला गया। तो उसका बाद लेकिन हम भी पीछे पीछा वगैरह नहीं किया, मतलब झगड़ा बड़ा करके कुछ फायदा नहीं है, तो जो सो हो गया तो हो गया। तो यही आप लोगों का आगे मैं शेयर कर मतलब हम शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि हम तो ज़्यादातर अभी अरुणाचल का ही प्रमोट वगैरह जगह और ये सब दिखाने के लिए हम कोशिश करते हैं, अलग अलग विलेज अलग अलग। अभी तो हम काम के वजह से बहुत दिन हो गया वीडियो डाल नहीं पाया, क्योंकि अभी से नया साल जब आएगा तो पूरा वीडियो कंटिन्यू करेगा नया साल आने के लिए, तो आप लोगों का मालूम है ही ज़्यादा दिन है ही नहीं, तो वही सब ही बोला क्योंकि ये सब करना गलत बात है, तो अच्छा नहीं है ये सब। और गाइस हम लोगों का कुछ गलती होने से मतलब वो बोल भी सकता था हम लोगों को रुका के, भाई ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा तुम लोग अच्छे से चलो ऐसा ऐसा, मतलब डायरेक्ट दाव निकल के वो कुछ सेंस नहीं बनता है, मतलब हजम नहीं होता है वो बात जो, तो वही क्या बोलेगा अर्जुन हम। तुम लोग क्या करते हैं? तो गाइस आप लोग इधर में भी देख सकता होगा हम लोग बढ़िया से लाइन अप होके ही जा रहा था, तो जितना भी पेडिंग वगैरह था सामान वान था सब कुछ बाइक में बांध के हम लोग जा रहा था बढ़िया से। और जानते हो हम लोग क्योंकि सोलो ट्रेवल किया था, तो फ़ोन से ही मतलब ऐसे रील्स के लिए वीडियो बना रहा था वो जो, तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा वो खुद को भी वीडियो कर रहा था और हम लोगों को भी वीडियो कर रहा था। और पीछे से मतलब वो गाड़ी अभी वीडियो में आप लोगों को आगे में मालूम चलेगा वो गाड़ी मतलब हम लोगों का उस गलती होने से आप लोग बोलिए तो वो गाड़ी साइड से जाता है, तो हम इधर में अभी वो वाइट पट्टी का साइड में चला गया, तो चला गया मतलब हम वीडियो के लिए पोज वो दे रहे हैं, तो हम लोग बढ़िया से एंजॉय करके आ रहा था। और वो गाड़ी अभी पीछे से आ रहा है, तो पीछे से आके अभी देखो इधर से हम तो मेरा साइड से होके ही गया वो, तो मतलब हम इसको ओवरटेक करके गया और वही खुद ब्रेक मार के रुका है, तो हम लोग तो ऐसे उसको कुछ डिस्टर्ब वगैरह कुछ किया ही नहीं ना, हम लोग उसको कुछ बोला ना कुछ ख़राब से हम लोग राइड वगैरह किया। बस ऐसा वीडियो बनाने का तो कोई इरादा वगैरह नहीं था, मकसद भी नहीं था ऐसा वीडियो कुछ बनाएगा बोल के, तो क्योंकि क्यों बनाया बोलने से मतलब अभी आप लोग भी दूसरे दूसरे जगह में ट्रेवल करने से मतलब खुद का सेफ्टी खुद रखो और खुद का केयर खुद लो, तो रिक्स भी खुद जो भी रिक्स वगैरह सब खुद लेके ही चलो, नहीं तो कहाँ पे क्या होता है आज तो कोई आजकल तो कोई मालूम ही नहीं चलता, तो इसीलिए हम ये आप लोगों के मतलब आप लोग सतर्क रहने के लिए मतलब हम वीडियो ये बनाया। तो मेरा सिर्फ ये बोलने वाला था, तो बाय बाय गाइस, सी यू सून।